नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। रीवा जिले के सोहागी पहाड़ स्थित झिरिया टोल प्लाजा में कल भीषण सड़क हादसे में 3 टोल कर्मियों की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि कल देर रात एक तेज रफ्तार गिट्टी से लदे हुए ट्रक ने टोल प्लाजा पर 5 टोल कर्मियों को रौंद दिया, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और 2 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। आसपास के लोगों ने जैसे ही यह दर्दनाक हादसा देखा बचाव के लिए दौड़ पड़े। मौका पाकर ट्रक ड्राइवर ट्रक छोड़कर भाग निकला। लोगों ने पुलिस को इस घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंची सोहागी थाना पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए त्योंथर सिविल अस्पताल भेज दिया और घायलों को उपचार के लिए एम्बुलेंस की मदद से रीवा संजय गांधी अस्पताल भेजा और ट्रक को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी गई। जैसे ही इस घटना की सूचना मृतकों के परिजनों को दी गई, सब आनन फानन में अस्पताल पहुंचे। सब मृतक गरीब परिवार से हैं और मृतकों के परिजनों की तरफ से मुआवजे की मांग को लेकर आज सुबह से ही त्योंथर सिविल अस्पताल में तनाव का माहौल बना रहा। मृतकों की पारिवारिक स्थिति को देखते हुए कम से कम 25 लाख के मुआवजे की मांग को लेकर परिजनों और क्षेत्र की जनता ने जमकर हंगामा किया और शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए मना कर दिया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और आसपास के थानों सहित जिले से बड़ी संख्या में पुलिस बल को बुला लिया। परिजनों का कहना था कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं करते वो पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे। मामले की नाजुकता देखते हुए त्योंथर विधायक श्यामलाल द्विवेदी, कौशलेश तिवारी, विद्या सागर शुक्ला, अशोक तिवारी, अनिल तिवारी, राजनारायण तिवारी, सांसद प्रतिनिधि एडवोकेट सुशील चंद्र शुक्ला मौके पर पहुंच परिजनों को समझा बुझाकर टोल प्लाजा के प्रबंधक उमेश मिश्रा की सहमति से 10 लाख रुपए मुआवजा राशि के रूप में व परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की बात पर सभी को मनाया। इसके बाद ही तीनों शवों का पीएम हो सका। साथ ही मृतकों के परिजनों को तत्काल अंतिम संस्कार के लिए 1.5 लाख रुपये मौके पर दिए गए और शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। मृतकों में एक त्योंथर के डेंढर गांव और एक डेरा एवं मृतक कौरोली अमीलिया का रहने वाला है। प्रशासन द्वारा शवों को ले जाने के लिए वाहन की व्यवस्था भी कर दी गई है। रीवा त्योंथर से आशुतोष शुक्ला की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार। हमको कल 7:28 में सूचना मिली कि हमारे भाई साहब का एक्सीडेंट हो गया। हम लोग वहाँ से आए, 40 मिनट में यहाँ पहुँचे। मैं फोन में कंपनी की तरफ से कोई सूचना नहीं दी गई, बाहर से दी गई। हम लोग वहाँ कंपनी वालों को फोन करके बताया कि मैं पहुंच गया हूँ, बस वहाँ आ रहा हूँ, बाडी वहीं रहने तो हम लोग आके वहाँ करें। तो हम लोगों के पहुंचने के पहले बाडी उठवा दी गई वहाँ से। फिर हमको बोले कि वहाँ नहीं जाना, वहाँ बाडी वोडी नहीं दिखेगी। थाने में आए, बोले वहाँ भी नहीं जाना है। फिर मैं जबरदस्ती थाने जब आया तो 7:28 पे हमको कॉल गया है और यहाँ थाने में लिखवाए हैं रिपोर्ट करने वाले की 8 बजे की घटना है वहाँ पे। इसके बाद कल से हम लोग आए हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, ना तो हमारी बॉडी मिल रही है, ना तो हम लोगों को कोई आश्वासन दिया जा रहा है। लड़के बच्चे उनके हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि भाई हम लोगों को उनकी सहायता राशि दी जाए, कम से कम 25 लाख रुपए, एक व्यक्ति की नौकरी, 10,000 रुपए महीने मिसेज को उसके दिया जाए और जो बच्चा है उसकी पढ़ाई का, जब तक का पढ़े हो तब तक का खर्चा दिया जाए। लेकिन कोई आश्वासन नहीं, 5 लाख बोलते हैं, 5 लाख ले लो। स्थानीय प्रशासन कोई सहयोग कर रहा है आपके? कोई भी नहीं सहयोग कर रहे हैं हम लोगों को। मीटिंग तो चल रही है सुबह से, चल रही है लेकिन कोई उसमें नहीं। वो बोलते हैं कि इतना ये लोग ये मांग कर रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि 5 लाख दे रहे हैं, 7 लाख दे रहे हैं, बस इसके अलावा कोई वो नहीं। ना हम लोगों की बाडी दी जा रही है, ना हम लोगों को मिलने दिया जा रहा है। हमारे उनसे कहाँ है, किस हालत में है कि नहीं है, क्या कर दिए, कुछ पता ही नहीं। आप किसके परिजन है? हम ढेरा से आए हैं, ब्रह्मानंद त्रिपाठी हमारे भाई साहब। इसे सुनकर मैं आवाज रह गया, मैं व्यथित और राहत हो गया हूँ। हमारे क्षेत्र से ढेहर गांव के एक ये नौजवान और ढेरा गांव के सीधी जिले के अमलिया गांव के 3 नौजवान लड़कों की इस दुखद मृत्यु से मैं एकदम हृदय से आहत हुआ। और रात में ही मैं आने वाला था, रात में मुझे खबर मिली तो साथियों ने ये कहा कि हम लोग हैं, सुबह आइए आप। सुबह आया, यहाँ का दृश्य देखकर अस्पताल का मन द्रवीभूत हो गया एकदम।
और अधिकारियों से चर्चा किया, एसडीएम साहब से, एडिशनल साहब से। चर्चा में उन लोगों ने बताया कि 5 लाख 7 लाख उनको आर्थिक सहायता देने के लिए कंपनी ने बात किया है। तो हमने रेस्ट हाउस में बंसल जी से बात किया, उन्होंने हमसे बात किया और हमने ये कहा कि अभी घटना हुई थी 1-2 महीने पहले, तो आपने 15 लाख रुपए दिया था या 13 लाख, तो कम से कम उस लाइन के अनुसार ही इनकी सहायता करिए। उस घर के चिराग बुझ गए हैं, कमाऊ व्यक्ति चला गया है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चियों की शादी होना है, ऐसे में वो गरीब परिवार एकदम अनाथ हो गया है। आप सक्षम हैं, इसमें हृदय से मानवीय संवेदना के आधार पर विचार करके सहायता करें। उन्होंने ये कहा कि हम देखते हैं कि क्या करते हैं। फिर मैंने कलेक्टर साहब से बात किया कि 7 लाख की बात वो कर रहे हैं, तो आप चर्चा करें और आप जैसा अधिकारी हर विपत्ति के क्षण में पीड़ित व्यक्ति की सहायता के लिए हमेशा आप आगे आए हैं, तो आप दोबारा बात करें और बात करके उन्हें ऐसी सहायता दिलवा दें कुछ संतोषजनक कि उनका भी मन द्रवित हो जाए। कलेक्टर साहब ने बात किया और अभी 1 घंटे पहले हमसे उन्होंने बात किया कि 7 की जगह पर 10 लाख रुपए सहायता देने के लिए बंसल कंपनी तैयार हो गई है, तो आप बात करिए परिजनों से। तो हमने परिजनों को, तीनों मृत व्यक्तियों के परिजनों से बात किया और ये कहा कि समय परिस्थिति को देखते हुए आप कलेक्टर साहब के इस प्रयास के आधार पर आप सहमति बनाइए। उन लोगों ने सहमति बनाया, तीनों परिवार के व्यक्तियों ने सहमति व्यक्त किया। उनका पार्थिव शरीर पुलिस के द्वारा परिजनों को सौंप दिया गया है और आगे के लिए तत्काल में 1.5-1.5 लाख रुपए तीनों परिवार को दे भी चुके हैं। आगे जो 8.5 लाख रुपए शेष है वो कल तक में या निश्चित करेंगे हम एसडीएम साहब से, कलेक्टर साहब से, और सहमति बनने के बाद कलेक्टर साहब को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि 8.5 लाख रुपए हम कब देंगे उसकी व्यवस्था तत्काल करेंगे। सर, सुहागी सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, जिसको लेकर आज परिजनों द्वारा सुबह से ही मुआवजे की मांग की जा रही, तो सर पूरा मामला क्या है? कल रात में एक ट्रक से, गिट्टी लोडेड ट्रक है, उससे एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 3 लोग जो है डेथ हुई थी और 2 लोग उसमें घायल हुए थे। अभी जस्ट PM होकर के उसकी डेड बॉडी रवाना की गई है। एक व्यक्ति उसमें मोहगंज के हैं, एक सीधी जिले के हैं और एक हमारे यहाँ क्योंकर तहसील के हेडर के। इनके लिए जो भी एडिशनल के साथ बताया कि जो मुआवजा राशि है उसकी बात हुई है, संबंधित पूर्व प्रबंधक हैं, उन्होंने मुआवजा राशि की बात करी। अभी 1.5-1.5 लाख रुपये जो है तात्कालिक जो है सहायता अभी उनको दिलाई जा रही है। शेष जो राशि जिसकी बात हुई है ये कल बैठ सकते हैं। सर, सड़क हादसे में कल 3 टोल कर्मियों की मौत हुई थी, जिनके मुआवजे की मांग को लेकर सुबह से ही काफी असमंजस की स्थिति बनी थी, सर पूरा मामला क्या है? देखिए, कल एक दुखद घटना भारी टोल प्लाजा पर घटित हुई है, जिसमें अनुपम शुक्ला, ब्रह्मानंद गुप्ता, मधुर के बारे में तीनों जो है टोल प्लाजा के कर्मचारी थे, इनके वहाँ कार्य के दौरान एक ट्रक अनियंत्रित होकर उस ट्रक के द्वारा पहले एक अल्टो कार जो वहाँ खड़ी थी और उसको टक्कर मारी गई, एक बोलेरो को टक्कर मारी गई, उसके बाद एक ट्रक को टक्कर मारी, उसके बाद में ये जो लोग खड़े थे इनके मोटरसाइकिल पर आकर उसके द्वारा इनको ढूंढा गया, जिसमें इनकी दर्दनाक मृत्यु हो गई थी। इस पूरे घटनाक्रम में हम लोग कल से यहाँ पर लगे हुए थे, इसमें जो है प्रथम दृष्टि की हमारे द्वारा 304 को मुकदमे दर्ज कर लिया गया है और ट्रक अभी हमने रद्द कर रखा है, ड्राइवर को हम जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे, हमारी टीम गई। सर, मुआवजा घटनाक्रम में जो टोल प्लाजा के कर्मचारी होने के कारण, एक तो जो गरीब परिवार है,
मृतक पक्ष था, काफी गरीब है, उनके घर में मृतकों के अलावा कमाने वाला और कोई नहीं था, पूरा परिवार उनके भरोसे था। इसी सभी मांगों को लेकर टोल के जो मैनेजर और उनके साथ में एक बात लोकल हमारे माननीय विधायक त्योथर के साथ में और अन्य जो नेतागण थे हमारे साथ ही मरीज परिजन जो मृतक के परिजन थे उनके साथ में एक बातचीत हुई, एक मीटिंग हुई, उसमें जो है उनके द्वारा कंपनसेशन 10 लाख रुपए, अभी वर्तमान में अंतिम अंत्येष्टि के लिए 1.5 लाख रुपए, साथ ही एक सदस्य को नौकरी और अन्य जो भी इसमें कंपनसेशन बनता है, जो भी उसके जो लीगल हेड्स बनते हैं नौकरी के दौरान, वो सारे देने की बात हुई। इस संबंध में हम कल फिर उनके साथ में बैठक करके और जो भी उचित मुआवजा और सारी जो बातें इस पर हम दिलवाने का पूरा प्रयास करेंगे। एजेंट साहब हमारे साथ।